हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम गाजर का हलवा बनाना देखेंगे। बिना गाजरों को घिसे, बिना मावा के गाजर का हलवा बिल्कुल हलवाइयों जैसा। इसके लिए हमने 2 किलो गाजरों को धोकर छील लिया है, गोल गोल टुकड़ों में काट लिया है। इसको हमने कुकर में ले लिया है। आधा लीटर इसमें दूध डाला है और 3 सीटियाँ कुकर की लगा देंगे। 3 सीटी में गाजर पूरी तरह से गल जाएगी, आसानी से मैश हो जाएगी। क्योंकि हमने घिसा नहीं है तो इसी तरीके से इसमें बनाया जाएगा। अब हमने उबली गाजरों को कढ़ाई में ले लिया और उनको मैश कर रहे हैं। बहुत आसानी से मैश हो जाएगी, आप 1-2 मिनट लगेंगे बस। अगर आपको मुश्किल हो रही तो दही मथने वाली मथनी से भी इसको मैश कर सकते हैं। जब ये मैश हो जाए अच्छी तरह से सारी गाजरें, तो हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे, 4 हरी इलायचियों को तोड़कर डालेंगे। पाउडर हो तो पाउडर डाल दें, नहीं तो इमाम दस्ते में कूट कर डाल दें। गाजरों को अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका बिल्कुल पानी सूख जाए, जो दूध और पानी होगा गाजरों का थोड़ा बहुत, वो पूरी तरह से सूख जाए। गाजर तो गली हुई है, सिर्फ पानी सुखाना है हमें इसको। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से मेवा डाल दें। मैंने डाला नारियल कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच ले लीजिए नारियल कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच किशमिश, 1 बड़ा चम्मच काजू, 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी। आप अपनी पसंद की मेवा जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं इसमें, जितनी डालना चाहें, कोई क्वांटिटी नहीं है कि कितनी डालना है। ज़्यादा मेवा पसंद हो तो ज़्यादा डालें, कम पसंद हो तो कम डालें। अब हम इसमें 200 ग्राम शक्कर डालेंगे। जब पानी सूख गया, दूध और गाजर का पानी, तो हमने शक्कर डाली है। शक्कर को बिल्कुल लास्ट में डाला है क्योंकि शक्कर गाजर को ऐठ देती है। हमें सॉफ्ट मुलायम हलवा चाहिए, इसलिए इसको लास्ट में डालें। फिर इसका जो पानी निकलेगा अब वो सुखा लेंगे। हार्डली 5 मिनट में पानी सूख जाता है और हमारा गाजर का हलवा तैयार है। इसको आप 1 हफ्ता रख कर खा सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत आसानी से बनने वाला हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा।